में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। इस वक्त मैं हूँ राज ठाकरे जी के निवास पर। जी हाँ, राज ठाकरे जी के घर पर इस वक्त हैं और राज ठाकरे जी हमारे साथ हैं। सो लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू द मैन हिमसेल्फ, द मैन हु हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर कंट्री, राज ठाकरे हिमसेल्फ। ही इज राइट हियर विद अस। राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एग्री किया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये बताएं कि जब आप रैली एड्रेस कर रहे थे, मैंने ये देखा कि आप बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, उसको बहुत सीरियस हो जाते हैं। अदरवाइज यू आर सच अ यू नो रिलैक्स्ड मैन, यू स्माइल अ लॉट एंड ऑल दैट। उस वक्त आप इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो जाते हैं जब आप लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पब्लिक रैली हो या कोई भी चीज़ हो, जब मुझे कुछ डिलीवर करना है, मुझे कुछ बताना है, तो मुझे बहुत सीरियस होना ज़रूरी है। ये जानबूझ के मैं थोड़ी सीरियस नहीं होता, लेकिन जो राजनीति जो आज अपने देश में या हमारे स्टेट में एक मजाक बन के रह गई है, उसे मैं वापस एक उसी प्लेटफॉर्म पे मजाक बनाना नहीं चाहता। तो मैं ऐसे में मजाक ऐसे आपके साथ बहुत कर सकता हूँ, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं ज़्यादा मजाक करूँ। जो मुझे लगता है वो बहुत ही सीरियस एक चीज़ है, वहाँ पे सीरियसली कुछ चीज़ें आनी चाहिए। अभी उस दिन की अगर रैली आप लेंगे जी, तो मेरे लिए शिवाजी पार्क मैदान में अपने बलबूते के ऊपर खुद को खड़ा करके लोगों को सामने जाके, ये मेरी मैं पहली दफ़ा कर रहा था, तो शायद आपको मैं सीरियस ज़्यादा दिखाई दिया होगा, मुझे नहीं मालूम। राइट, और हमारे दर्शकों को याद होगा, व्यूअर्स वुड रिमेंबर दैट वी शोड द एंटायर थिंग लाइव, वी शोड द एंटायर रैली लाइव एंड द रिएक्शन दैट वी गॉट फ्रॉम एवरीवेयर। मैं आप खुद आपको बता रहा हूँ, द काइंड ऑफ रिएक्शन वी गॉट फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली से भी, कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी, ज़्यादा नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा रिएक्शन नहीं आए, लेकिन महाराष्ट्र से, दिल्ली से और सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, स्पेशली बैंगलोर, the reaction that has come in is so positive that even we were surprised. I would like to ask your reaction. aap apna reaction batayenge jab aapne itni zyada bheed dekhi apne samne to kya zehen mein hua? maine dekhi, maine bheed to bahut baar dekhi hai public meeting mein, meeting mein aapki khud ki rally mein, ha maine khud ki rally mein bhi dekhi hai ji, lekin wo ek main jis party mein tha uski political yani campaign ke liye hogi ya aur kisi cheez ke liye, मैं खुद एक अपनी पार्टी बना रहा हूँ और उसके लिए इतने इतने लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, कैसे लगा यानी अभी क्या? Was there a feeling of satisfaction or was there a feeling of challenge or were you tense about it? कि ये इतने ज़्यादा लोग आए हैं और इन सब लोगों के जहन में आपके प्रति इतनी अपेक्षाएं, इतनी उम्मीदें? तो देखिए, ये तो हाँ, एक प्रेशर तो बढ़ता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई अच्छा काम करना है, अगर मेरे काम में अगर सच्चाई है, तो मुझे लगता है कि उनकी जो आशा अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी करने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। लोगों को अगर मेरे मैंने जो रिपोर्ट्स देखे मैंने, और जो रिपोर्ट्स मुझे मिले या जो मैंने पढ़े, उनको एक लगा कि मेरी मैं जब स्पीच दे रहा था उसमें एक सच्चाई थी। अगर ये उनको लग रहा है तो मुझे लगता है कि मैं ठीक ट्रैक से जा रहा हूँ। कि किस तरीके से बड़े सालों के बाद, बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है 10 या 15 साल के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक शख्स ने इतनी बड़ी रैली करी हो, इतनी बड़ी सभा करी हो महाराष्ट्र में, और उसके पीछे ना सरकार है, ना ट्रेड यूनियन है, ना कोई एनजीओज हैं, सिर्फ अपने बलबूते पे। अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हम लोग देखें, पुलिस की तरफ से जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक भी आपकी रैली में 1,30,000 लोग थे, वास्तविकता में हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक कहीं कहीं ज्यादा थे। इतने ज्यादा लोग जो आ गए, जरा बताएंगे हाउ डिड ऑल ऑफ यू मैनेज दैट? ये मैनेज की बात नहीं है, बात मुझे लगता है कि ये लोगों के अंदर जो एक आम आदमी के अंदर जो एक आंदोलन है, एक सरकार के प्रति हो और समाज व्यवस्था के प्रति हो, जो एक क्या बोल सकते हो उसे, डिसटिस्फैक्शन हो या तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो थी उसका मैं सिर्फ एक कारण हूँ। मैं सिर्फ आगे आया और उनको लगा कि मैं उनकी बात बोल रहा हूँ या उनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं बाहर लोगों के सामने रख रहा हूँ, सबके सामने रख रहा हूँ। तो
क्योंकि ये मैंने बोल के तो थोड़ी खड़े किए थे लोग। जी हाँ, दुरुस्त बात। तो जब मैंने ये स्टैंड लिया, उस स्टैंड के बाद इतने लोग इकट्ठा होने, इसका मतलब है कि जो आज जिस तरह से राजनीति है या जिस तरह से सिस्टम चल रही है उसके प्रति लोगों के अंदर क्या भावना है, ये सब बाहर आ गई। और इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका क्रेडिट मैं अकेले लूँगा, ये सबकी भावना है। जो मेरी भावना थी वो उनकी भी भावना है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बट द अदर थिंग व्हिच इज कम आउट नाउ इज दैट, ये तो चलो हो गया, आपकी पार्टी लॉन्च हो गई, जो आपने कहा था आपने कर दिखाया। उसके अलावा हम लोगों को तो उम्मीद थी कि आपकी रैली ऐसी ही होगी, और कई बार हमारे दर्शकों को याद होगा कि हम लोग इसी तरीके से बार बार ये कह रहे हैं कि जब राज ठाकरे जी की रैली होगी इट विल बी एज बिग एज दिस, परहैप्स बिगर, बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स सेड दैट यू नो कुछ नहीं होगा, फ्लॉप शो होगा वगैरह वगैरह। वो उन सब लोगों के तो उन सब लोगों की जबान बंद हो गई। ये कैसे हुआ कि जैसे मैंने जब पद का इस्तीफा दिया तब लोग बोल रहे थे कि ये पार्टी से जाएंगे कि नहीं, जब मैं पार्टी से बाहर निकला तो ये बोले कि पार्टी निकालेगा कि नहीं, जब मैं पार्टी की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि भाई लोग आएंगे कि नहीं। अभी लोग आ गए तो अभी आप बोल रहे हैं कि आगे कैसे जाएंगे। जी, बट नाउ इफेक्टिवली टू यूज योर ओन वर्ड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी बिकॉज़ नाउ इज द टाइम फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, और ये मैं सोच के जा रहा हूं। तो उसके बारे में आप आगे क्या करने वाले हैं वो लोग जानना चाहेंगे। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर पार्टी? नहीं, स्ट्रक्चर देखिए, एक स्ट्रक्चर होता है ज्योग्राफिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल या शहर लेवल पे होता है, एक दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग बार बार जिन प्रॉब्लम्स के बारे में बोलते रहते हैं, फिर पानी हो या बिजली हो या और बेरोजगारी हो या और महिलाओं की प्रॉब्लम्स हो, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है कि जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर रहा हूँ तो वो एक यूनिवर्सिटी की तरह होनी चाहिए कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये उस पॉलिटिकल पार्टी की फैकल्टीज होनी चाहिए और उस फैकल्टीज के एक एक हेड्स होने चाहिए और उसका अलग अलग पिरामिड होना चाहिए। एक पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक पिरामिड होता है। ये जो सारे प्रॉब्लम्स है उसको लेके चलने वाले छोटे 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 पिरामिड्स होने चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि अपने यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो अपने आप को खुद को ही समझता है कि सारी चीजों में उसी अकल है। जी, तो ऐसे नहीं होता। यही आज तक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण ही यही है कि एक वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये तू संभाल, इसके बारे में तू सोच, इसके बारे में तू सोच, और उसका जो फाइनल आउटपुट जो है वो मैं देख लूंगा ना अगर पार्टी आगे। मतलब इन टर्म्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जी, एंड सो व्हिच मींस कैनिंग अप द गवर्नर, नाउ प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज क्वाइट रेडिकल एंड रेवोल्यूशनरी। जहां तक हिंदुस्तान का प्रश्न है, हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं है, लोग बोलते हैं, लेकिन आप जो अभी बात कर रहे हैं वो ये है कि यू आर गोइंग टू हैव डिवोल्यूशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि कमांड आपके हाथ में रहे लेकिन पावर आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं बाकी लोगों के बीच। जी बिल्कुल ना, क्या होता है कि अपने यहाँ पे देखिए कि ये अभी आज पार्टी लॉन्च करने के बाद पहला इंटरव्यू है, इसलिए मैं सामने आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर वक्त मुझे सामने आना चाहिए या हर एक चीज में मुझे ही बोलना चाहिए। इतने बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ में, उनको एक्सपोजर कब मिलेगा? जी, उनको उस चीज की समझ कब आएगी? तो मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क सो इफेक्टिवली यू आर गोइंग बैक टू, एंड आई डोंट नो वेदर यू हैव एक्चुअली थॉट ऑफ दिस इन दिस मैनर, पता नहीं आपने इस तरीके से सोचा है या ये आपकी ओरिजिनल थॉट है, क्योंकि ऐसा सब होता था प्री पार्टीशन डेज में 1947 के पहले जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर था, जहाँ पे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बलदेव सिंह, सरदार स्वरण सिंह, इस किस्म के लोग जो हुआ करते थे, अलग अलग अपनी जगह पर बड़े दिग्गज थे। एंड इट वॉज नॉट एज इफ ओनली पंडित नेहरू वॉज स्पीकिंग फॉर एवरीबडी एट दैट टाइम, एवरीबडी वॉज एट द सेम लेवल, पंडित जी वॉज अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स जिसको कहें कि मतलब उनका स्तर ये था कि भाई ये इस वक्त हमारे नेता हैं बस। Is that the structure that you have in mind? नहीं, ये structure नहीं मुझे मालूम। मुझे लगता है कि हर एक subject अलग है और अलग अलग subject के ऊपर अलग अलग लोग होने चाहिए। अपने यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है कि जब election के वक्त ही सारी चीजें होती है, फिर टिकट किसको मिलेगा, ये पार्टी की पोस्ट किसको मिलेगी और ये किसको मिलेगा, वो किसको मिलेगा, इसके बाहर जाके जी ये जो सारे पोर्टफोलियोज हम लोग कहते हैं, इन पोर्टफोलियोज के ऊपर क्या पोर्टफोलियो सिर्फ गवर्नमेंट देखेगी? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देख सकती।
कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कहाँ पे पानी नहीं जा रहा है, कहाँ पे पानी ज्यादा जा रहा है, कहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसी करनी पड़ेगी, बिजली की व्यवस्था कैसी है, 12-12 घंटा अगर लोड शेडिंग हो रहा है तो कैसे क्यों हो रहा है, वहाँ पे अगर मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट हाथ में लेना है तो मैं क्या गवर्नमेंट हाथ में आने के बाद सोचूं? That's amazing. That is the most important point. Just like you have जैसे आज मुंबई की ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो मुझे आज ट्रैफिक का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, या जो भी कुछ रोड्स के प्रॉब्लम्स है, लोग घर से निकलते हैं और ऑफिस में जाते हैं 2-2, 3-3 घंटा लगता है, अगर मैं कुछ चेंज की बात कर रहा हूँ तो चेंज मुझे पहले समझ में आना तो चाहिए जी, और अगर वो चेंज मुझे समझ में आना चाहिए तो उसके ऊपर क्या सिर्फ मैं अकेले सोचूं? ये जो मेरे साथ में जितने लोग हैं वो नहीं सोच सकते जी? अगर मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के लिए मेरा एक सपना है, तो क्या सिर्फ मुझे अकेले को सपना पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा जी? और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो लोग हैं उनको भी एक्सपोजर मिले, उनकी एक विजन क्रिएट हुए। और मैंने एक दिन नितिन गडकरी जी को मैंने बताया था, उनको ये मेरा सेंटेंस बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत बार बार बोलते हैं, मैंने उनको कहा था कि आप आई डोनेट कर सकते हो, आप विजन डोनेट नहीं कर सकते। तो विजन क्रिएट करनी पड़ती है। अभी जो कॉरपोरेशन में जो काम करेंगे या रूरल एरिया में काम करेंगे, ऐसे जो लोग होते हैं, उनको समझ में कैसे आएगा कि गांव की क्लीन कैसे होना चाहिए, रोड्स कैसे होने चाहिए, फुटपाथ कैसे होने चाहिए, साइनेजेस कैसे होने चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होना चाहिए, कैसे? यानी कि ये ऑर्केस्ट्रा मैं सिर्फ अकेले कंडक्ट करते बैठूं? And you have all these people working with you at the moment. आज लोग बोल रहे हैं कि मेरे साथ कौन सा ऐसा चेहरा है जो लोगों को मालूम है। जी। बात ऐसी कि नहीं मालूम होगा, मालूम हो जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र का एक नया चेहरा देखना चाहता हूं तो वो नया चेहरा अगर देखूं तो नए चेहरे से ही देखूं ना। But this is a very, very radical thought. Now, this is the kind of thought that everybody would like to hear. ये कहने में जो आप बोल रहे हैं, अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, बट द ओनली थिंग इज, यू नो व्हाट यू डन बाय सेइंग दिस, यू आल्सो पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योरसेल्फ, क्योंकि ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है वो सबको दिखता है, कांग्रेस कैसे चल रही है, आपकी खुद की पुरानी पार्टी कैसे चलती थी और कैसे चल रही है अभी, वो भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर दो चीजें सामने आई, एक तो सिम्बॉलिकली आपने हर एक को बोल दिया कि भाई कोई किसी के पैर नहीं छुएगा जी, ये शायद उसी का हिस्सा है जी। ये जरा आप बताएं, उसके बाद में जो पूरा प्रश्न है वो बाद में पूछूंगा, ये आप बताएं कि ये पैर छूने वाला जो किस्सा जो है ये कैसे हुआ, ये जरा बताइए। नहीं, मुझे आज तक कभी पता नहीं चला, जब मैं बाला साहब के जब पैर छूता था या छूता हूँ, जब मेरे पैर पड़ना शुरू हो गए लोग, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है जी। 10-15 साल पहले की बात है, और फिर हर जगह मैं जाता था तो मुझे लगता था यार ये क्या नौटंकी है, कोई किसी के पैर छू रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई माथा टेक रहा है। एक दिन मैं नीचे था, उस दिन मैंने पब्लिक मीटिंग में बताया मैंने कि एक दिन मैं नीचे था, कुछ 10-12 लोग आए थे, मेरा जो जेम्स कुत्ता जो है वो खड़ा था, ग्रेट डेन जी, तो वो बाहर कहीं उसके जो शौक है बिल्ली वगैरह वो देख रहा था, और मैंने उनको कहा कि भाई जाते समय ज़रा देखना उसको पैर ना लगे आप, ठीक है। एक शुरू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, उसके पैर पड़ना शुरू हो गए, तो मैं बोला यार क्या कर रहे हो आप, जेम्स के पैर, जेम्स जो आपका कुत्ता है उसके पैर पड़ना शुरू हो गए, तो तब मैं सोच रहा था यार ये कौन सा स्टेरॉयड है अंदर इनके, कि भाई जिसके पास आए हम लोग, ये अगर ये राजनेता है तो राजनेता नहीं सही तो भाई कुत्ता सही। तो ये जो बात लोगों के अंदर जो आज तक जो है हर पॉलिटिकल पार्टियों में, मुझे लगता है कि ये बंद होनी चाहिए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आके आप नमस्कार कर सकते हो, आप नमस्कार करके भी वही मिलेगा या नमस्कार करके वो नहीं मिलेगा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो पैर पड़ के ही सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे जो पैर पड़ के कुछ नहीं मिला आज तक, तो फिर उसका फायदा क्या? But that is something which has really caught on. That is something which has really. तो मुझे लगता है कि ये सारी जो आज तक की सिस्टम में घुसी हुई चीजें जो हैं, वो साफ करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मुझे समझ आ रहा है, जो कुछ अभी आप बात कर रहे हैं,
कि आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो आपने बनाई है, वो वास्तविकता में नवनिर्माण का काम करेगी, या इट इज अ फुल टाइम पॉलिटिकल पार्टी, इट इज नॉट डायरेक्टेड ओनली टुवर्ड्स इलेक्शंस? जी बिल्कुल, मतलब सिर्फ चुनाव की बात नहीं करेंगे आप? चुनाव होते, मुझे आप बताइए ना कि मैं अगर मैं पार्टी अगर मैं निकाल रहा हूँ क्यों, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ क्यों, अगर लोगों को मैं टिकट दे रहा हूँ और वो चुन के आ रहे हैं क्यों, अगर क्यों का जवाब पहले नहीं है आपके पास, तो फिर वो इलेक्शंस लड़ने में क्या है, फायदा क्या है उसका? अगर इतने सालों के बाद अगर आप उसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ते रहेंगे कि मैं आपको पानी दूंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा, मैं आपको बिजली दूंगा, 59 साल जी, यानी मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई देश हो जिसके 59 साल से इलेक्शन सिर्फ 4-5 मुद्दों के ऊपर ही चल रहे हैं अभी तक, इसके आगे ही नहीं गए हम लोग। किसको जाने की इच्छा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो है वास्तविकता वो है, ये है। और मुंबई, मुझे लगता है जो आने वाली आज जो जनरेशन आ रही है, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, जब हम लोग जब प्रदेश जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन छोड़िए डिप्रेशन आ जाता है कि हमारे पीछे से आए हुए देश आज कहाँ पहुंच गए जी, और हमारे बीच में हमारे यहाँ के लोगों के अंदर सारी कैपेसिटीज हैं, ब्रेन चल रहा है ठीक से, चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं अच्छी तरह से, फिर ये हम लोग अपाहिजों की तरह हम लोग स्टेट क्यों चला रहे हैं, हम लोग देश क्यों चला रहे हैं? अगर ये सोच अगर मैं लोगों के अंदर डालूं या उनको पूछूं क्या कमी है उनके अंदर, यानी मैं परसों एक जोशी नाम के एक आदमी हैं जो पहले थाना में रहते थे, आजकल सिडनी में रहते हैं, उन्होंने ये जो भंगार होता है ना, जो मेटल वगैरह जो मिलता है वगैरह, मेटल स्क्रैप, हाँ, स्क्रैप जो मिलता है, वो स्क्रैप लेके उससे रोड्स बनाए, उन्होंने कनाडा में बनाए हैं, उन्होंने जापान में बनाए हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं। यही बात वो यहाँ के गवर्नमेंट को बता रहे थे कि मैं ये करूँगा, ये कर सकता हूँ। वो वहाँ पे गए और वहाँ से उनको इस तरह के रोड्स और सारी चीज़ें बनाने के लिए काम मिल गया जी। तो हम लोग अपने यहाँ का ही अपना ही टैलेंट हम लोग बाहर भेज रहे और बाहर के लोग उसका अच्छी तरह से क्या? That's right. I mean, we had the same experience just the other day. हमारे दर्शकों को याद होगा कि बजट के दौरान जब हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, तो उसी तरीके से एक शख्स हमारे पास आया, आशंक देसाई साहब जो मैस्टेक के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि जो मैस्टेक और उस तरीके की, मैं सिर्फ मैस्टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, उस तरीके की और अन्य जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर, दे आर पीपल हु हैव एक्चुअली वर्कड ऑन सॉल्विंग द कंजेशन प्रॉब्लम ऑफ लंडन। लंडन का जो पूरा कंजेशन प्रॉब्लम है वो उन्होंने सॉल्व किया, यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के, नवी मुंबई में, वाशी में बैठ करके उन्होंने लंदन की जो ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम है वो पूरी पूरी सॉल्व की है। लेकिन जब उन्होंने हमारी बीएमसी से और यहाँ हमारी सरकार से संपर्क किया, अभी तक तो उनको जवाब आया नहीं, नहीं आएगा भी नहीं। मैं उस दिन जो मैंने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो वगैरह जो होते हैं कि एक आपको लिमिट दिया जाता है सरकार की तरफ से टेंडर भरने के लिए, उसके नीचे आप लोएस्ट में कहाँ तक जाएंगे, और लोएस्ट अगर आप जाते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे आप? उसके बीच लोगों को पैसे देने पड़ते हैं तो ये काम ठीक से होगा कैसे? और बात दूसरी ऐसी है कि अगर काम अगर ठीक से हुआ, अगर रोड अगर बना दिया आपने, फुटपाथ बना दिया और 10 साल के लिए उसको कुछ नहीं होने वाला, तो वो 10 साल करेंगे क्या कॉन्ट्रैक्टर्स? ये सब चल रहा है, ये इनका रैकेट जो है अंदर ही अंदर। और आज जो जो टैक्स पेयर है उसको वो बोल रहा है कि भाई मैं टैक्स भर रहा हूँ, मुझे फैसिलिटीज दो, मुझे चलने के लिए ठीक से फुटपाथ नहीं है, मुझे चलने के लिए रोड नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए अगर है तो ट्रैफिक है, कोई औरत सोचती है मुझे अगर मेरे शाम को अगर मुझे मेरे बच्चे को अगर बाहर कहीं लेके जाना है तो उसके लिए गार्डन्स नहीं है, उसके लिए मैदान नहीं है, कुछ नहीं है, तो रह गया सिर्फ दो ही चीज़ें, या तो उसको रेस्टोरेंट में लेके जाओ या तो पिक्चर दिखाने के लिए लेके जाओ। और मुंबई शहर में एक ज़माना था, बहुत पहले की बात है, दे यूज टू बी ब्यूटीफुल पेवमेंट्स, आज की तारीख में पेवमेंट कहीं दिखती नहीं है, मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए आज की तारीख में मुंबई में कुछ नहीं, नहीं कुछ है नहीं ना। बात ऐसी है कि देखिए हम लोग हमारा जो कायदा है वो ठीक से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? मैं भी रेशन कार्ड ही हूँ, जो रेशन कार्ड है अपना, उस रेशन कार्ड की पहली लाइन है कि ये किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं हो सकता,
बोल्ड में लाइन है, आप दिखाइए। और हमारे लिए वोटिंग के लिए पूछते हैं कि रेशन कार्ड है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछते हैं रेशन कार्ड है कि नहीं, घर चाहिए तो पूछते हैं रेशन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट के लिए पूछते हैं रेशन कार्ड चाहिए। और रेशन कार्ड खुद बोल रहा है कि ये किसी चीज का प्रूफ नहीं हो सकता। ऐसे स्टेट में हम लोग हैं। राइट, सो वी एक्चुअली हैव समबडी हु इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट्स। वी फाइनली हैव अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच इज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। जो नव निर्माण की जो बात करी राज ठाकरे जी ने, उसके बारे में वास्तविकता में ये पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है। ज्यादातर पॉलिटिकल रैलीज में ये होता है कि कोई इमोशनल इशू पे लेकर के, या किसी का मजाक हंसी मजाक उड़ाया जाता है, या किसी इमोशनल इशू को लेकर के, इमोटिव इशू को लेकर के, किसी ना किसी लीडर के नाम को लेकर के लोगों को भड़काया जाता है, उकसाया जाता है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे किस कौन से पाथ पे चलना है, अगर ये मैंने तय किया है, तो उस पाथ में ये सारे लोग आते ही नहीं। जी, राइट, वी हैव द राशन कार्ड ओवर हियर, दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। ये बोल दिया जी, ये पहली लाइन जी, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। पुरवठा पत्रिका शिधा पत्रिका शिधा वस्तूंसाठीच दिलेली आहे, अन्य कोणत्याही पुराव्यासाठी नाही। दिस इज द लाइन राइट ओवर हियर, दिस कैन नॉट बी यूज्ड, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ एनीथिंग, इट कांट बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ anything. This, of course, is Mr. Raj Thackeray's ration card right over here. Amazing. Lekin ye bataye, jab aap power mein the 1995 se 99 tak, aapki sarkar aayi against all expectations, aap logon ko shayad zarur umeed hogi, lekin baaki jitna bhi media tha usko umeed nahi thi. Hum log galti se us waqt likh rahe the ki shayad aap log power mein aa jayenge, lekin us waqt aapne ye sab kyun nahi kiya? Mujhe bahut sari cheezon mein busy rakha tha, वो सबको मालूम है, अदरवाइज करता। बट यू हैड इट इन माइंड, मुझे लगता है कि किसी भी चीज को करने के लिए एक टाइम आना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि अभी शुरू करूंगा, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, व्हेन इन 66 द शिवसेना स्टार्टेड, 66 में जब शिवसेना शुरू हुई, जो मुद्दे अभी आप बता रहे हैं, उस वक्त के टाइम पर अगर आप देखें, उस वक्त के टाइम में, अभी की बात नहीं, उस संदर्भ में जो मुद्दे उठाए गए वो बहुत रेलेवेंट थे उस जमाने के लिए। अभी जैसे आप मुद्दे उठा रहे हैं वो भी बड़े रेलेवेंट हैं इस टाइम के लिए। तो आप ये किस तरीके से देखेंगे कि आपकी पार्टी का शिवसेना करण ना हो जाए, वो आप कैसे देखेंगे? नहीं, मैं टाइम ले रहा हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। लोग बोल रहे हैं कि यार ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, अभी पार्टी शुरू, मैं जब पार्टी शुरू कर, यानी कि मैंने इस्तीफा दे दिया, तो लोग बोल रहे थे यार पार्टी जल्दी से शुरू करो जी, अदरवाइज ये टेम्पो निकल जाएगा। मैं बोला यार टेम्पो होता क्या है, अगर मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो टेम्पो क्रिएट हो जाएगा वापस। लेकिन ये सारी चीज़ें जल्दी में नहीं होती, इसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अभी उस दिन जब पब्लिक मीटिंग होने के बाद लोग बोल रहे अभी क्या करेंगे, बोला अभी कुछ नहीं करूँगा, अभी सोच रहा हूँ, काम चल रहा है, लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है कि जिसका मैं कोई गिमिक लेवल पे कुछ करूं या लोगों को एक फील दूं, या नहीं कुछ हो रहा है, अच्छी बात की, ताली बजाओ। ये ताली बजाना, ये हंसना वगैरह वगैरह, ये अपने ग्रुप तक ठीक है, लेकिन जो बाहर के देश जो अपना हंसी मजाक जो उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें सीरियसली करनी चाहिए, जो दूसरी चीज़ जो सामने आई, और सारी चीज़ें करते वक्त आप जब करेंगे तब दिखेगी जी, हर एक चीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है। राइट, नाउ द अदर थिंग व्हिच इज कमिंग अगेन एंड अगेन, जब भी आपके बारे में डिस्कशन होता है, और आज की तारीख में आपके बारे में हर जगह पर डिस्कशन हो रहा है अभी, द अदर थिंग इज दैट इन टर्म्स ऑफ अ यूथफुल लीडरशिप, आज की तारीख में महाराष्ट्र में, और अगर बाकी देश में भी जाएं तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि आप महाराष्ट्र पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान पूरा केंद्रित महाराष्ट्र पे है, इसलिए मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, एक यूथ लीडरशिप कहीं नहीं है। हर एक पार्टी में आप देख लीजिए, आपकी पुरानी पार्टी में भी देख लीजिए, शिवसेना में भी, या कांग्रेस में भी, या एनसीपी में भी, कोई युवा नेतृत्व कहीं नहीं है। वो उसका दारोमदार शायद आपके ऊपर आ गया, उसका शायद आपको बहुत एडवांटेज मिला है अभी, क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि यूथ बहुत है, यूथ लीडर्स भी हैं ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको आगे लाने नहीं दे रहे या आने नहीं दे रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
खैर नाम बताना मुझे अभी आवश्यकता नहीं उसकी, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं. अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस, आई एग्री एज़ फार एज़ द कांग्रेस इज कंसर्न्ड, बट दे आर ऑल एमपीज एंड दे आर ऑल सन्स ऑफ फॉर्मर एमपीज एंड अदर पीपल. आप एमपी छोड़िए, जी एमपी छोड़िए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स हैं, कांग्रेस में भी हैं, एनसीपी में भी हैं, बीजेपी में भी है, बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए या आगे लाना चाहिए ऐसे कोई किसी पार्टी में होता नहीं. और पार्टी से लोग अगर आपको ज्वाइन करना चाहें या आपके साथ जुड़ना चाहें तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे, क्या आप उनसे बात करेंगे, या फिर अभी आप अपने ही लोग जो हैं उनको आप आगे डेवलप करेंगे? नहीं नहीं, अभी देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई किसी राजनीति पार्टी से कोई कभी संबंध नहीं था, ऐसे भी लोग मेरे पास आ रहे हैं जी, कि जो सिर्फ काम करते थे लेकिन उनको किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था आज तक, तो उनको भी लेके जाऊंगा. ऐसे लोग आएंगे तो उनका स्वागत तो ज़रूर करूंगा, लेकिन सिर्फ इलेक्शंस अगर दिमाग में रख के आएंगे तो फिर प्रॉब्लम. नाउ हियर आई टेक यू टू अनदर यूथ लीडर दैट एवरीबॉडी हैज देयर आईज ऑन. आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक और यूथ नेता है जिनके ऊपर आंखें गड़ी हुई हैं लोगों की बहुत पहले से, उनका नाम है राहुल गांधी. पिछली दफ़े जब 2004 में जब जनरल इलेक्शंस हुए थे उस वक्त राहुल गांधी ने यह कहा था कि हम यहाँ पे सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं उत्तर प्रदेश में, हम यहाँ पे काम करने आए हैं जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं इतने सालों से. हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट स्टेटमेंट? नहीं, अच्छी चीज़ है ना कि अगर कोई बोल रहे हैं कि सिर्फ ये इलेक्शन जो चीज़ है अपने देश में, इसने सारी चीज़ों का क्या बोल सकते हो उसका, यानी कि द फोकस इज गॉन, जो फोकस होना चाहिए सत्यानाश कर दिया बोल सकते हैं, कि सिर्फ इलेक्शन अपने यहाँ पे हर साल कुछ कहीं ना कहीं इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, तो सबका फोकस सिर्फ इलेक्शन के ऊपर होता है, कौन जीत के आएगा कौन नहीं आएगा, और सारा जो यूथ है वो उसके पीछे जी भागना या उसको दौड़ाना शुरू कर देते हैं. अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसी तरह से कोई और भी सोच रहा है तो अच्छी भी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? अगर कोई डेवलपमेंट की अगर बात बोल रहा है जी, भले वो उत्तर प्रदेश के लिए हो या बिहार के लिए हो या महाराष्ट्र के लिए हो और किसी भी स्टेट के लिए हो, तो अच्छी चीज़ है. एंड फाइनली इन टर्म्स ऑफ योर विजन, अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र तक ही केंद्रित रहेगा या पार्टी और भी आगे बढ़ाएगी? नहीं, महाराष्ट्र तक ही रहेगा, क्योंकि जितने भी आज तक आपने लीडर्स देखे हैं जो नेशनल लीडर बनने की कोशिश में फाइनली स्टेट पे ही आ जाते हैं जी, और मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रदेश जो है महाराष्ट्र, अगर मैं उसके ऊपर ही फोकस करूं या कॉन्सेंट्रेट करूं या मैं एक एग्जाम्पल खड़ा करके अगर देश को दिखाऊं तो बाकी स्टेट भी उसी तरह से. और महाराष्ट्र में जहां तक प्राथमिकताओं का प्रश्न है, प्रायोरिटीज का प्रश्न है, उसके बारे में जरा बात करें. देखिए मुझे लगता है कि एक 6 पोर्टफोलियोज हैं, इन 6 पोर्टफोलियोज के ऊपर अगर ठीक से अगर ध्यान दिया जाए, 6 पोर्टफोलियो छोड़ के बाकी चीज़ें उसको यानी ये 6 किए तो बाकी तो आएंगी. Like which ones? Which are the 6? जैसे कि अभी देखिए ये तो हर एक आदमी बोलते रहता है या हर एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती रहती है, जैसे पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी रोड्स मैं बोल रहा हूँ, पानी का जो वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है. चौथा है मुझे लगता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर का, जो पुलिस के बारे में बहुत ठीक से सोचना चाहिए. फाइनली देखा जाए तो वो भी एक आदमी हैं, लोग हैं, जनता के ही एक भाग हैं, ठीक है वो जब उनके ड्यूटी पे रहते हैं तो पुलिस है, लेकिन अदरवाइज वहीं खाना खाते हैं और वहीं पे घूमते हैं, दूसरा पे क्या है. लेकिन उनके बारे में भी सोचना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचना चाहिए कि क्राइम जो है उसकी तरफ से. एंड एग्रीकल्चर दैट आई थिंक इज नहीं, वो पानी में आ गया, पानी में आ गया, वो पावर में आ गया जी, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एग्रीकल्चर उसके साथ ही आ जाता है जी. एजुकेशन और छठा है टूरिज्म. इन 6 पोर्टफोलियोज के ऊपर अगर ठीक से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को पीछे देखने की जरूरत ही नहीं. जहां तक रूरल महाराष्ट्र का प्रश्न है, जहां तक ग्रामीण इलाकों का प्रश्न है, वहां पर किस किस्म का सपोर्ट मिल रहा है आपको अभी तक? बहुत जोर से. देखिए मैंने पहली दफा ही कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है महाराष्ट्र. मैं अगर सोचूंगा तो महाराष्ट्र के लिए सोचूंगा,
मैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सोचूंगा यार मेरी मतदार संघ में पानी आना चाहिए, मेरी यहाँ पे बिजली आनी चाहिए, बाकी ऐसे रहे तो भी चलेगा। इस तरह से काम नहीं होगा जो आज तक होते आया है। मेरे लिए महाराष्ट्र जो वेस्टर्न महाराष्ट्र को मिलेगा वही मुझे लगता है विदर्भ को मिलना चाहिए, वही मराठवाड़ा को मिलना चाहिए, उत्तर महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, वहीं कोंकण को मिलना चाहिए और वहीं मुंबई को भी मिलना चाहिए। जब आपने पार्टी छोड़ी उस वक्त अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद नारायण राणे जी और आपका कोई गठबंधन बनेगा, नहीं, नहीं। और राणे साहब ने आपकी तारीफ भी करी थी जाते वक्त कि जब राज ठाकरे जी पार्टी चला रहे थे तब पार्टी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। जी जी, नहीं नहीं, मैं कब चला रहा था नहीं, उनके बारे में भी मुझे एक सिंपथी है। नारायण राणे एक बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है और इतने कम समय में उन्होंने जो प्रशासन के ऊपर जो एक दबदबा जो बनाया उसका उसकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है। और दूसरी चीज़, अभी अभी पाकर साहब हमारे शो में आए थे, यहीं बैठे हैं शायद, उन्होंने मनोहर जोशी जी के बारे में कुछ कहा था। मनोहर जोशी जी ने कहा था कि शायद आपको कार्यकारी अध्यक्ष की पोस्ट ऑफर की गई थी। जी नहीं, बात ऐसी है कि मैं उस पोस्ट के लिए मैं झगड़ नहीं रहा था जी, कि ताकि मुझे वो पोस्ट मिले तो मैं बस मैं खुश हूँ। अगर पोस्ट लेनी होती तो मैं उसके पहले भी बहुत सारी पोस्ट ले सकता था जी। ये पोस्ट का झगड़ा नहीं। अगर नटशेल में देखा जाए, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैक टू द पास्ट नाउ, दैट्स ओवर एंड डन विद, दिस रियली इज, बट दिस इज रेलेवेंट टू द एंटायर इशू। अगर देखा जाए, अगर आप एक लाइन में या दो लाइन में अगर आप ये बताना चाहें कि वास्तविकता में शिवसेना से जो आपका ब्रेक हुआ, व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ द मैटर, व्हाट वाज द रूट कॉज, अगर आप उसमें जाएं, जड़ क्या थी उसकी? ये हिंदी फिल्म की तरह बताना पड़ेगा, 20 साल पहले की वो बात है तो बहुत लंबी स्टोरी है अभी। मुझे लगता है कि वो अभी पास्ट इन प्रिंसिपल, आई एम टॉकिंग अबाउट इन प्रिंसिपल, इफ यू लुक एट इट, व्हाट वुड बी द थिंग, इट कुड नॉट बी जस्ट अ पर्सनालिटी क्लैश, कोई ठोस बात जरूर बराबर है। कैसे है कि मैं सिर्फ एक, अगर आप अगर आज आर के बी शो चलाते हैं या पूरा इंटायर चैनल आप अगर देखते हैं तो आपको आपका जॉब मालूम है, बराबर जी। बस वही मैं पूछ रहा था, मेरा जॉब क्या है, उसका जवाब आपको मिला नहीं या मिला तो बड़ा, जॉब नहीं मिला, जवाब मिला जॉब नहीं मिला लेकिन जवाब मिला आपको जी। और इसी दौरान, मतलब जब आप, you know, when you must have been under a lot of pressure from a lot of places, from your family, from everywhere else, क्योंकि ऐसा स्टेप लेने के पहले आदमी को सुदृढ़ तो होना ही पड़ता है, साथ में उसकी इंटरनल ताकत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आपकी फैमिली, इस तरीके से ऐसे ऐसे थी फैमिली, कोई भी आदमी किसी भी फैमिली के जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आया होगा फैमिली से। तो फैमिली से नहीं, किसी ने, यानी कि मैंने किसी को पूछा या मैंने किसी की राय ली, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं, मुझे जो मालूम था वो मुझे ही मालूम था। Nobody told you, let's patch up, let's... नहीं, बताया ना, सबने बताया, सब कुछ किया, सारी कोशिशें हो चुकी थी। You don't miss them. Right, I suppose that answers the question. राज साहब आप बता रहे थे अभी अभी के, आपने जब बगीचे का इनॉग्रेशन कराया उसके अगले दिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। लता दीदी के वो एमपी फंड में से मैंने जी बताया था कि मुझे एक ऐसी बगीचा बनाना है वहाँ पे, तो वो बगीचा तो बन गया। सैटरडे को बाला साहब के हाथों और दीदी के हाथों उसका ओपनिंग भी हुआ। मैं संडे ऐसे ही गया था वहाँ पे, मैंने इतनी भीड़ वहाँ पे देखी, तो मैंने हमारे लोगों को मैंने कहा कि भाई ज़रा देखो तो कौन आए, ये क्या थोड़ी शिवाजी पार्क और दादर और माहिम के प्रभा देवी के लोग हैं, ये आए कहाँ से हैं लोग सब। तो पूछताछ करने के बाद पता चला कुछ लोग कल्याण से आए थे, कुछ लोग डोंबिवली से आए थे, कुछ लोग नवी मुंबई से आए थे, कुछ विरार से आए थे। ये जब मैंने देखा कि ऐसे लोग आए, मैंने इसका कंक्लूजन जो निकाला, इसका मतलब है कि वहाँ पे इस तरह के बगीचे हैं नहीं जी।
वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कॉरपोरेशन ही है, महानगर पालिका है। इतने सालों में आप लोगों को सिंपल बगीचे नहीं दे पाए जहाँ पे बच्चे खेलें, जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को लेके जाए बैठे और वो बच्चा खेलता रहे, ये भी नहीं बनाया आपने। यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे थे। और हम लोग आजकल बोलते हैं कि देखिए ये जनरेशन जो नई आ रही है, बच्चे हैं जो टीवी देखते रहते हैं, गैजेट्स होते हैं इसमें, अरे आपने खेलने के लिए कूदने के लिए उनको मैदान नहीं रखे, बगीचे नहीं रखे, तो वो करेंगे क्या? रोड पर जाते हैं तो ट्रैफिक होता है, जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो इतना ट्रैफिक नहीं था जी। आजकल कहाँ पे खेलेंगे, वो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, कोई एक कोई सेफ जगह नहीं है। यहाँ पे कोई माँ अपने बेटे को या अपना कोई पिताजी अपने बेटे को भेजें यार जी जाके बेटा खेलो, कोई सेफ जगह नहीं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन इसे कहते हैं, पॉलिटिक्स अगर इसे कहते हैं तो मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं करूँगा नहीं। और जो आम आदमी जो कोई भी जो टैक्स पेयर जो है वो टैक्स जब भरता है तो उसको एक गवर्नमेंट और उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि मैं टैक्स भरूंगा आप मुझे फैसिलिटीज़ दे दो जी। लोग सालों से टैक्स भर रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं आ रही, किसी का किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है। मतलब इट्स अ टोटल इफेक्टिवली इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन टोटलिटी। मतलब कहने का होता है जी, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह आप अगर, नहीं नहीं ये कौन सी व्यवस्था है जहाँ पे आप अगर टैक्सी में बैठते हो जी तो टैक्सी के ड्राइवर को आपको बताना पड़ता है कि आपको कैसे जाना है, तो फिर आरटीओ क्या कर रही है? आप लाइसेंसेस टैक्सी ड्राइवर को कैसे देते हैं? अगर जिसको जिसको अगर मुंबई नहीं मालूम है, अगर एयरपोर्ट पे अगर कोई आम आदमी दूसरा कोई विदेश से या अपने ही देश से कहीं आदमी आ जाता है और बोलता है टैक्सी में बैठता है, और टैक्सी वाला अगर कहे कि भाई जाना कैसे बताओ, तो वो क्या बताएगा? तो फिर इनको जब आप लाइसेंस देते हैं टैक्सी का तो उसको मालूम नहीं होना चाहिए मुंबई क्या है, दुरुस्त बात, इसके रोड्स कैसे हुए, कहाँ पे है। And it is not as if this wasn't done earlier. पहले ये सब होता था, ऐसी बात नहीं है जी, मालूम कि एग्जाम नहीं होता था, हर एक हाँ, हर एक कायदा है, कायदा है जी, उसके लिए कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ ध्यान दो जी। So you will have people monitoring all this? जी बिल्कुल, लोगों को रोज के लिए, रोज के उनको उनके लाइफ के लिए छोटी छोटी चीजें होती है उनके लाइफ में आने वाली, वो भी सुलझाने के लिए अगर कोई सामने नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे कि भाई देश के सामने इतनी बड़ी कठिनाइयां हैं। अरे कठिनाइयां तो छोटी छोटी भी है ना जी, उसका हल कौन निकालेगा? आज अगर स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, पेरेंट्स को बाहर स्कूल और कॉलेजेस के बाहर जाके रात को सोना पड़ रहा है जी, कि मेरे बेटे को एडमिशन मिले इसलिए फॉर्म मिले, और उसके बाद जो कॉरपोरेशंस के गवर्नमेंट के जो रिजर्व प्लॉट्स हैं वो आप बेच रहे हैं जी, निकाल रहे हैं। कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनेक बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो स्कूल और कॉलेजेस ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि ये सिस्टम किस तरह से जाती है और किस तरह से रन होती है और इसको कौन चलाता है और किसके पास जाना पड़ता है, फिर पैर पड़ना पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे या पैसे देने पड़ेंगे या किसी पॉलिटिशियन के पेट डॉग को या पेट कैट का पैर चुना पड़ेगा, डॉग को पैर चुना पड़ेगा कि मुझे जेम्स मेरे लिए जरा स्कूल का देखो। अमेजिंग। और अभी तक जो लोग आपके पास आ रहे हैं क्या किस किस्म की प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आते हैं? अभी तक तो यानी कि पार्टी शुरू करने के बाद वैसे लोग नहीं आए, लेकिन अभी आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे खत आए हैं मुझे भी, वो पढ़ने भी हैं, उनको रिएक्शन भी देनी है yeah. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट डू यू सेंड द रिप्लाई योरसेल्फ और यू हैव अ फुल सेक्रेटेरिएट एट द मोमेंट? नहीं, अभी फिलहाल मैं अगर फ़ोन दिया है, उन्होंने फ़ोन नंबर दिया है तो फ़ोन नंबर से संपर्क करता हूँ, तो क्योंकि अभी नई पार्टी है सो अभी तक नई स्टेशनरी आई नहीं है मेरी जिससे मैं उनको कोई खत भेजूँ या कुछ भेजूँ। एंड हैव यू registered an email address for your party and all that is it there? Can we flash it for you right now? Right, so we'll flash it for you in just a minute. In case you want to contact the new party of Mr. Raj Thackeray, we will flash the email address for you in just a moment. But
Now coming back to the politics of the state, आज की तारीख में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बजट प्रेजेंट किया गया. उसमें ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे. जी उसमें जिसमें मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ वो जरा सिंपल सा सवाल, बड़ा अहमियत वाला सवाल है. वो ये है कि ये कहा गया कि हम जीरो डेफिसिट बजट हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं और आज की तारीख में सरकार के ऊपर जो ऋण है वो 1,26,000 करोड़ का है. 1,26,000 करोड़ का इस वक्त. नहीं मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि इस महाराष्ट्र का पोटेंशियल इतना है जी. इस महाराष्ट्र के ऊपर अगर आप 10,00,000 करोड़ का भी अगर आप कर्जा ले लें तो इस स्टेट की एक ताकत है उसको रिपेमेंट करने की. लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है जी तो आप कैसे करेंगे. राइट, सो व्हिच इज व्हाट आई एम कमिंग टू. जैसे कि जी MSRDC मैंने पहले सुना था जो कि जो टोल है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का जी, सो वहाँ से जो पैसे आए सो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थी उनको रीपेमेंट करना चाहिए था. लेकिन गवर्नमेंट ने अपने जो अंदर सैलरी देने के लिए वो पैसे यूज किए. जी अगर इस तरह से अगर आप काम करेंगे जी तो 1,00,000 करोड़ के और क्या है, फिर 1,000 रुपया भी नहीं दे पाएंगे आप. आज की तारीख में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या ये है दैट इंडस्ट्री इज नॉट कमिंग बैक इनटू द स्टेट, इज गोइंग आउट. जो आनी चाहिए थी, हाँ BPOs यहाँ पर बहुत हैं, IT इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुई है, लेकिन वो शायद इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि स्टेट का उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है. लेकिन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो स्टेट से बाहर जा रही है. उसके बारे में आपने सोचा या आपकी पार्टी में जी बिल्कुल, बिल्कुल हम लोग सोच रहे हैं उसके बारे में. और मुझे लगता है कि एक जो एक 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित हुई ये इंडस्ट्री जो है, मैं चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र के अंदर चले जाए. फिर अंदर लेके जाने के लिए उनको अगर किस तरह से उनको वेलकम करना है, किस तरह से उनको फैसिलिटीज देनी है, ये सारा वर्कआउट हो रहा है. बिकॉज यू हैव रन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, जब आप शिवसेना में थे आपने विद्यार्थी सेना चलाई. मुझे अभी तक याद है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को भी चिट्ठियाँ आती थी कि अगर प्लेसमेंट के लिए आपके पास कोई जगह है या कुछ है वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब आप दोबारा यहाँ पर शुरू करेंगे. बिल्कुल शुरू करूँगा, सब कुछ शुरू करूँगा. लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे मैं उसका हेड मैं था, यहाँ पे दूसरा रहेगा कोई. ये हर एक चीज़ के लिए मैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री हो या कोई भी हो, इन सारी चीज़ों के लिए जी मैं जो ला रहा हूँ वो है एक्सपर्ट्स. क्योंकि ये किसी और मैं किसी यानी कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी लड़के को अगर मैं ड्रिप इरीगेशन के काम पर लगा दूँ जी तो क्या करेगा वो. तो उसी सब्जेक्ट में अगर जो एक्सपर्ट है उनको मैं लाना चाहता हूँ, वो उसके ऊपर काम करे, वो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की बारे में सोचे, फिर फाइनेंस के बारे में सोचे या इंडस्ट्री के बारे में सोचे, और फिर उसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो जब हम मैं चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र की सत्ता हाथ में लूँ तभी ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर सामने रख पाऊँगा. ये तो बात रही जहाँ तक ग्रामीण महाराष्ट्र की का प्रश्न, लेकिन उसके पहले बिफोर वी लेट गो ऑफ दैट सब्जेक्ट, वन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ आई थिंक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे. पिछले 4 साल से 5 साल से हम लोग हम सब लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बार 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 हमारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं. पिछली दफ़े जब नागपुर में सेशन हुआ था, नागपुर सेशन से लेकर के अभी तक तकरीबन एक आंकड़ा है कि 500 किसानों ने, एक आंकड़ा है 400 किसानों ने, सरकार का खुद का आंकड़ा है कि 200 के करीब किसानों ने आत्महत्या की है, और वो भी मुख्यमंत्री जी के किसानों के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस करने के बाद. इतने ज़्यादा किसानों ने इस दौरान इस पीरियड में आत्महत्याएं कर ली, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? नहीं, कैसे है ये इन सारी चीज़ों, देखिए कोई आत्महत्या करता है तो कोई अच्छी बात नहीं है जी, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है. अभी देखिए जैसे कि एग्रीकल्चर, उसके ऊपर से यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री लाने की कोशिश नहीं कर रहे. जैसे अगर आप पूरे महाराष्ट्र देखेंगे तो एक जगह पे आम है तो एक जगह पे ऑरेंजेस है, एक जगह पे शुगर केन है, एक जगह पे बनानास है, एक जगह पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. इनके ऊपर काम करने के लिए जैसे महाराष्ट्र में कृषि विद्यापीठ है जी, बराबर क्या कर क्या रहे हैं? अगर किसानों की आत्महत्या हो रही है, अगर किसानों को अगर कुछ समझाना है तो ये इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं? इसलिए जो खेती के ऊपर जो जो एक्सपर्ट जो है
उनके ऊपर मेरी बात चल रही है कि इसके लिए क्या हम लोग क्या दे सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर उनको खेती मालूम है लेकिन आज मार्केट किस तरह से जा रहा है ये अगर उनको नहीं मालूम है तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए छोटे छोटे यानी कि जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिले हर एक चीज़ की, उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। और ओवरऑल ये मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो या हर एक चीज़ हो, अभी मैं अगर मेरे पार्टी में अगर किसानों के बारे में अगर एक सेल होगा जी कर लीजिए, तो हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग हेड तो रहेगा कि नहीं, कि एक ही आदमी को सब कुछ मालूम है कि उसको कॉटन के भी बारे में मालूम है, उसको गेहूं के भी बारे में मालूम है, उसको शुगर केन के बारे में भी मालूम है, उसको आम के भी बारे में मालूम है, एक आदमी को। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर एक टीम लगाई उसके बाद ही इसके आंसर्स मिलेंगे। मुंबई के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक ही इमेज सामने आती है, वो इमेज है बॉलीवुड की। बॉलीवुड में बार बार ये कंप्लेंट आती है कि मुंबई में जो फैसिलिटीज सिनेमा को मिलनी चाहिए, फिल्म से जुड़े लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोई इट इज़ समटाइम्स मच चीपर टू शूट इन स्विट्जरलैंड एंड न्यूजीलैंड दैन टू शूट इन मुंबई। बराबर, देनी चाहिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर इस शहर से अगर फिल्में दुनिया को दिखा रही जी, तो उनको इस तरह से एक तो गवर्नमेंट को फैसिलिटीज देनी चाहिए या तो उनको कहिए कि आप करें और उसके ऊपर हम लोग कुछ सालों के लिए कुछ टैक्स नहीं लगाएंगे या कुछ करेंगे, इस तरह से अगर कुछ फैसिलिटीज उनको दी जाए। इसके बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं अभी तक जी, लेकिन बट यू योरसेल्फ आर कनेक्टेड विद द फिल्म इंडस्ट्री, दोस्त हैं मेरे बहुत सारे एंड ऑल दैट, यू नेवर थॉट ऑफ डूइंग एनीथिंग इन फिल्म्स? आज तक कभी सोचा है म्यूजिक देना भी? कभी नहीं सोचा, बिकॉज़ यू आर अ म्यूजिक बफ, वी नो दैट। एंड एंड बाय द वे, मिस्टर राज ठाकरे ओन कलेक्शन ऑफ म्यूजिक इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। One of these days we'll talk about your musical interests as well. तो इसलिए मैं, हमारे एक बहुत बड़े ऑथर थे महाराष्ट्र के, पी एल देशपांडे, तो उनके अगर जबान में कहा जाए तो मैं तानसेन नहीं हूँ, मैं कानसेन हूँ। लेकिन सर अभी भी सुनते हैं, you still listen to a lot of music, you listen to modern music, अभी contemporary music के? Generally लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी या फिर वेस्टर्न सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। माशाल्लाह, क्या बात है, मतलब लाइक व्हाट, बीथोवन, मोजार्ट, वैगनर, जॉन विलियम्स, सर जॉन विलियम्स, द जेंटलमैन हू हैज गिवन म्यूजिक फॉर मोस्ट ऑफ स्टीवन स्पीलबर्ग्स फिल्म्स, अमेजिंग मैन इज दी। हैव यू एवर मेट हिम? डिड यू एवर गेट टू मीट? यू ब्रॉट माइकल जैक्सन इनटू द कंट्री, उसके बाद कभी किसी और को लाने की चेष्टा नहीं हुई, या माइकल जैक्सन से दिल भर गया बस? नहीं, मुझे लगता है कि बस वो जो करना था वो किया, अभी थोड़ा सा बाकी चीज़ों की तरफ भी देखना चाहिए, जब जो चीज़ करनी है वो कर लेता हूँ। इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली रिएक्टेड? शर्मिला जी यहाँ पर बैठी हैं, मतलब अगर आप इजाज़त दें तो शायद वो अगर कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोलें। नहीं नहीं लेकिन हाउ इज द फैमिली रिएक्टेड टू योर पार्टी? मुझे लगता कि वो भी बहुत सारे प्रेशर्स के अंडर से चले गए इन सारे दौरान, और जब मैंने ये निर्णय लेने का सोचा तो उन्होंने कहा कि यू नो किड्स इन स्कूल दे टॉक टू ईच अदर, कुछ नहीं, बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं। आजकल के बच्चे बहुत अकलमंद होते हैं सर, मतलब सब कुछ तकरीबन सब मालूम होता है, ऐसी बात नहीं है। बराबर है, लेकिन अगर इस बारे में अगर उनको नहीं मालूम है तो बेहतर है। एंड ऑन फैमिली ओकेजंस, डज द फैमिली स्टिल गेट टुगेदर? उद्धव जी, रश्मि ठाकरे? अभी तक वैसा कोई मौका नहीं आया, लेकिन एक मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक मेरी मामा की बेटी की शादी थी, तब सारे एक साथ आए थे जी। तो पारिवारिक तौर पर अभी भी सब मिलते हैं? मिलते नहीं, आ जाते हैं वहाँ पर जी, लेकिन बातचीत नहीं होती ज़्यादातर अभी। हाँ, होती नहीं लेकिन होगी नहीं, ऐसी बात नहीं जी, बिकॉज एवरीथिंग सेटल्स डाउन आई सपोज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी विल रिकंसाइल हिमसेल्फ और हरसेल्फ। पार्टी बनाने के बाद आपकी बाला साहब से बात हुई कि नहीं, ये रैली के बाद? रैली के बाद नहीं, उन्होंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, मुबारकबाद आपको नहीं दी कि आपने माशाल्लाह जबरदस्त काम किया? अभी तक तो फोन, ही शुड बी प्राउड ऑफ यू एक्चुअली स्पीकिंग, कमिंग राइट डाउन टू इट, एज एन अंकल ही शुड बी रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन। आई मीन यू नो
लेकिन अभी तक उनसे फ़ोन नहीं है. अभी तक फ़ोन नहीं, और आपने फ़ोन भी नहीं किया? नहीं, अभी मैं खुद फ़ोन कैसे करूँ कि आपको कैसे लगा. राइट, नाउ कमिंग टू योर ग्रैंडफादर प्रबोधन ठाकरे जी, हमारे दर्शकों को याद होगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने प्रबोधन ठाकरे जी के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में हम लोगों ने बात की है. और हिंदुत्व से हट करके जो शिवसेना का जो हिंदुत्व का जो मसला था, और एंड एज वी प्रॉमिस्ड व्यूअर्स, वी विल सर्टेनली आस्क मिस्टर राज ठाकरे आल्सो अबाउट द फ्लैग, द फ्लैग ऑफ द न्यू पार्टी. वी विल आस्क हिम एज़ टू हू इज़ डिज़ाइन्ड इट एंड हाउ डिड दे चूज़ द कलर्स, दैट वी हैड प्रॉमिस्ड यू, वी सर्टेनली आस्क हिम दैट. लेकिन बार बार जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी हमारे पत्रकार दोस्त हैं, या जितने भी विशेषज्ञ हैं, या जिन लोगों ने भी विश्लेषण किया है आपकी पार्टी को लेकर के, हर एक का यही मत है कि अगर प्रबोधनकर ठाकरे जी के जो आदर्श थे या जो भी उन्होंने लिखा है उसके ऊपर अगर आप चलें तो शायद आपकी फॉलोइंग है जो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. नहीं, कैसी बात है कि मैं मैंने ये जब पार्टी का जब सोचा तो मेरा एक ही फोकस था, है, रहेगा, और वो है महाराष्ट्र की डेवलपमेंट. अभी डेवलपमेंट करते समय अगर मैंने कोई ब्रिज अगर मैंने बनाया, एक स्मॉल एग्जांपल ब्रिज बनाया, तो मैं किसी और कम्युनिटी को ये नहीं बोल सकता ना कि यार तुम्हारे लिए नहीं है, इनके लिए है. अगर डेवलपमेंट होगी तो सबके लिए डेवलपमेंट होगी. अभी आपने कहा कि फ्लैग का जी, तो लोग बोलते हैं कि जनरली अगर वो सारी चीज़ें अगर हाइड करनी है तो लोग बोलते हैं कि ये जो ब्लू हैं वो शांति का प्रतीक है, ऑरेंज है जो सेक्रीफाइस का प्रतीक है, ग्रीन है जो प्रॉस्पेरिटी और इसका प्रतीक है. देखिए ये सब ठीक है, वो कलर्स हैं उस जगह पे, लेकिन अपने देश में ब्लू हैं जो दलितों का है, जो ऑरेंज है वो हिंदुओं का है, और ग्रीन है जो मुसलमानों का है. ये फैक्ट है, जो फैक्ट है, जिस तरह से लोग जाते हैं सोचते हैं वो ये है. मैंने जब ये सारी चीज़ें सोची जब आगे चलते वक्त, कि मैंने कहा कि राष्ट्रीयत्व की भावना बहुत ज़रूरी है. लोगों ने मुझे पूछा कि भाई आपने ये तीन कलर्स लिए, तो मैंने कहा यार मैंने तीन कलर्स लिए ये ठीक है, लेकिन मैंने खुद ने धर्मांतर थोड़ी किए हैं, इन सबको लेके जाना है. और ये लेके जाते वक्त कि जो पकड़ लीजिए कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे ये लोग जो अपने यहाँ पे जो जिस तरह से चल रहा है उसका तो अपोज करेंगे ही करेंगे, वो भले कौन सी कम्युनिटी से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, उसका अपोज तो करेंगे ही करेंगे. लेकिन ये करते वक्त मैं अब्दुल कलाम हूँ या जिस आदमी के पास जी इस देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस आदमी के पास हम लोगों ने रखी थी, वो एक मुसलमान है, और जिन्होंने किसी और कंट्री को ये सारी चीज़ें बेची नहीं, एक विश्वास से हम लोगों ने उनके हाथ में ये सारी चीज़ें दी, और उसका एक क्या कहते हैं उसका एक ऑनर उनको राष्ट्रपति बनाया अपने देश में. तो इन एलिमेंट्स के लिए मैं इनको ना करूं, इनको ना बोलूं कि ये भी नहीं चाहिए. इरफान पठान जब पाकिस्तान में जब बॉलिंग करते तो थोड़ी स्पीड कम हो जाती है उनकी, तो इनको भी ना बोलूं. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, अगर उनको नकारने का अधिकार मुझे नहीं लगता. मुझे अगर ये मुझे करना है तो सबको साथ में लेके जाना है. जो हमारे दलित भाई जो हैं, बहुत सारे एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, यहीं इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं. और ये कब तक हम लोग करते रहेंगे? इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हम लोग, हमारी डेवलपमेंट अगर रुक रही है, या इसको रोकने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका वो जो सच है वो सामने लाना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैं वो किसी और झंझट में मैं नहीं गया, मैं किसी और चीज़ में नहीं गया, बस जो है वो सामने है, इस तरह से जाना है. जो डिजाइन है वो डिजाइन करते वक्त मैंने सिर्फ कलर्स ऐसे सामने रखे थे, ये सब चाहिए. मेरे एक दोस्त है मिस्टर जय कौड़ी,
उन्होंने उसका फिर डिज़ाइन ऐसे ही रफ बनाया, तो जब उन्होंने रफ बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। और एक जो फ्लैग है वो मुझे लगता है कि एक तरह से मॉडर्न थोड़ा सा उसको लुक होना चाहिए, कि जैसे कि बाकी सबको तो अच्छा ही लगे लेकिन आने वाली जनरेशन जो है उनको यहाँ पे लगाते वक्त या कैप डालते वक्त उनको एक फील आनी चाहिए भाई कुछ। But this is very surprising. You actually got somebody else to design your own flag because you yourself are an artist. नहीं, बात ऐसी है कि मैं तो बना रहा था, लेकिन अगर किसी ने बनाया और मुझे अच्छा लगा तो उसका क्रेडिट उसे जाना चाहिए। Wonderful. And that, I suppose, is one more example of the devolution of power that and decentralization of power that Raj Thackeray is talking about. So he's not taking credit for everything in his own party, which is I hope that will go on. हाँ? It won't be just in the beginning. ये जरूरी नहीं, मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट मैं ही लूँ। और आगे चल करके कोई अखबार लॉन्च करने का भी कोई प्रयास है, कोई सामना टाइप कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, मैंने यानी कि न्यूज़पेपर निकालना कोई छोटी चीज़ नहीं है जी, या चैनल चलाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि आप पार्टी चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो अखबार चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? अगर मुझे अगर लगा कि अगर आज अखबार निकालने की जरूरत है या चैनल निकालने की जरूरत है भविष्य में, तो निकालूंगा अभी जरूर, लेकिन आज कुछ दिमाग में नहीं है। एंड देन होपफुली मिस्टर ठाकरे विल अनाउंस इट राइट हियर फर्स्ट ऑन द आरकेबी शो, वी होप दैट विल हैपन। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस फॉर द पार्टी, ए, वेयर आर यू गेटिंग द फाइनेंसेस फ्रॉम, एंड बी, आर द फाइनेंसेस इनफ? बात ऐसी है ना कि मैं कल किसी को मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां बिना काम के, उनको अगर पैसे इकट्ठे हो सकते हैं तो मैं अगर काम करके अगर लोगों के सामने जाऊं तो लोग पैसे नहीं देंगे क्या मेरे को? Wonderful, yeah. Absolutely wonderful. तो बिना काम के पैसे मिलते हैं बाकी लोगों को, तो मेरे को तो काम करके तो मिल सकते हैं। In terms of your own business, how is that going? Will you be able to pay attention to? नहीं, मेरे बॉस, मेरे पार्टनर जो है वही देखते हैं जी। और यहाँ पर अगर हम लोग मनोज जोशी जी की बात कर रहे हैं, अभी भी बातचीत है आपकी या the business partnership still goes on? नहीं, उन्मेष के साथ तो बात होती ही रहती है ना जी, उसमें कोई प्रॉब्लम, वो एक जगह पे, पॉलिटिक्स एक जगह पे। मनोहर जोशी जी खुद के साथ बातचीत होती है या नहीं होती? उनकी उनकी एक दो बार फ़ोन आए थे मुझे, या मैंने भी किए थे जब उनका जब राज्यसभा का उनको जी पोस्ट मिली थी, मैंने फ़ोन किया था उनको, तब वो घर पे नहीं थे, उनका बाद में मुझे फ़ोन आया था, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए फ़ोन किया था। बाकी तो नहीं। बाकी जो शिवसेना के जो जितने लोग हैं आपके साथ रहे सब लोग, और उनमें से अभी भी लोगों के फ़ोन आते हैं कि नहीं आते, बातचीत होती है? बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं नाम बताना नहीं, मैं हाँ, नाम पूछ लेकिन बहुत सारे मतलब लोग फ़ोन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आगे चल करके उनमें से कोई कई लोग ऐसे हैं जो आपकी ओर आना चाहेंगे, या आप उनको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं किसी को इन्विटेशन नहीं दूँगा, लेकिन अगर वो खुद आना चाहते हैं वेलकम। चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके बड़े भाई उद्धव ठाकरे जी के लिए आप उनको कोई सलाह देना चाहेंगे? नहीं कुछ, शिवसेना पार्टी को चला रहे हैं, आपकी पार्टी है, आप नहीं चाहेंगे कि पार्टी बरकरार रहे? देखिए, बात आगे बढ़े कि वो चला ही रहे हैं जी, सलाह देने की मेरे को लगता है मेरे को ज़रूरत है, कोई और मेरे को सलाह दे कि भाई इस तरह से पार्टी चला, तो मैं मेरी पार्टी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, दूसरी किसी चीज़। एनी वर्ड्स ऑन योर अंकल ऑन बाला साहब ठाकरे? After all, you've learned so much from him. You've learned a lot. नहीं, मैं पहले भी मानता था, आज भी मानता हूँ, कल भी उन्हीं को मैं भगवान मानूंगा, मेरे लिए सब कुछ है। Except his picture is no longer there on your posters. No. उन्होंने ही कहा है कि मत लगाओ, तो नहीं लगाऊंगा। Well, that's really wonderful. Right, thank you very much, Mr. Raj Thackeray, for talking to us. It's been a real pleasure talking to you. Thank you so much, and all the very best to you. Finally, we've got a young person heading a very, very young party, and hopefully, the promise that has been made over here will actually turn into performance.